हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथ्स का टीचर नवरत्न बोल रहा हूँ। बेटा, आज की इस ऑनलाइन क्लास को सुनने से पहले, देखने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है। आप इस वीडियो को लास्ट तक सुनेंगे और पूरा सुन करके आप इसको नोटबुक में राइट करेंगे, क्योंकि आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटर, अगर ये लर्न हो गया, ये समझ में आ गया, तो आपके आने वाली जो क्लासेज हैं 9th, 10th और जो 8th है, उसमें ज्योमेट्री का पोर्शन आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, आपके कोई डाउट नहीं रहेगा अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, लर्न कर लेंगे तो। अदरवाइज ये ज्योमेट्री में आपकी ये समस्या फ्यूचर तक बनी रहेगी। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.3 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस 3.3 में जो क्वेश्चंस हमारे को पूछे जाएंगे, वो क्वेश्चंस किस टॉपिक से रिलेटेड होंगे और कैसे सॉल्व होंगे, उससे पहले आपको ये टॉपिक पढ़ना होगा, काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, पिछली दो वीडियो में हमने पॉलीगन के बारे में पढ़ा था कि पॉलीगन क्या होता है। तो एक क्लोज्ड फिगर बाई 3 or more than 3 लाइन सेगमेंट्स इज नोन एज पॉलीगन, कि 3 या 3 से अधिक अगर लाइन सेगमेंट्स मिलकर के क्लोज फिगर बना दे, बंद आकृति बना दें, तो उसे हम पॉलीगन कहते हैं। अब 3 या 3 से अधिक की बात करता हूँ तो 3 लाइन सेगमेंट वाला ट्राइंगल कहलाता है। ठीक है, 4 लाइन सेगमेंट्स से जो फिगर बनेगा उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल। 5 लाइन सेगमेंट से जो बंद आकृति बनेगी उसको पेंटागन बोलते हैं, हेक्सागन बोलते हैं, 6 साइड्स वाले को। ऐसे आगे से आगे मैंने बताया था। आज हम केवल और केवल क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो काम आता है वो ये काम है कि क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन क्या होती है, वो लर्न की जाए। तो क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन आप इस प्रकार से बोल सकते हो, ए पॉलीगन हैविंग 4 साइड्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। एक ऐसा पॉलीगन जिसकी 4 साइड होती है उसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। क्वाड्रिलेटरल का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है चतुर्भुज, यानी 4 भुजाओं वाला, ठीक है, बंदाकृति चतुर्भुज कहलाता है। इसका शेप कैसी होती है, ये एक शेप मैंने बताई है, आप डिफरेंट टाइप से इसको बना सकते हैं, 4 साइड वाला ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, 4 साइड होनी चाहिए और क्लोज्ड होना चाहिए, ऐसे भी बना सकते हैं। तो आप तो बोल रहे होंगे कि ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ये स्क्वायर है। बेटा, स्क्वायर भी एक क्वाड्रिलेटरल का ही रूप होता है। ठीक है, तो ये क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड होना उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वाड्रिलेटरल हो चुका है, इसको हमने नेम दे दिया है ABCD, इसका नामकरण कर दिया। ठीक है, लेबल्ड होना चाहिए डायग्राम ABCD। अब नॉर्मली आपको पता है कि इसमें 4 एंगल होते हैं, 4 साइड होती है। ठीक है, तो आज हम और इस एक्सरसाइज में जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, इस क्वाड्रिलेटरल के क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या गुण है इसके, इसमें क्या क्या विशेषता है। बेटा, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, तो करैक्टरिस्टिक्स बोल दो या फिर प्रॉपर्टीज बोल दो या फीचर्स बोल दो ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो इसमें सबसे पहला आता है कि इट हैज 4 साइड्स, यानी जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसका 4 साइड होती है, हमेशा ध्यान रखना। अब वो कौन कौन सी होती है, इस डायग्राम में हमारे पास 4 साइड है, पहली साइड है AB, दूसरी है BC, ए कोई साइड नहीं है बेटा, AB साइड है, यहाँ से यहाँ तक, तो AB नाम देंगे, BC, CD और DA, ये 4 साइड होती है। इसके अलावा दूसरी प्रॉपर्टी है वो ये लिखी है, इट हैज 4 एंगल्स, इसके 4 एंगल भी होते हैं बेटा, ये वाला एंगल, इस एंगल का क्या नाम है बेटा, एंगल ABC, या शॉर्ट में बोलना चाहे तो इसको एंगल B भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये एंगल ABC और एंगल B, इस एंगल का क्या नाम है, एंगल BCD और एंगल C, इसका नाम हम इसको किस नाम से पहचानेंगे, मार्क तो कर दिया, अब इसको अपन कैसे बताएंगे दूसरों को, एंगल BCD या DCB, दो तरीके से बोल सकते हैं,
ये तो इसका फुल नेम हो गया है और शॉर्ट नेम एंगल सीन है। ऐसे ये एंगल है एंगल डी, इसको एंगल ए डी सी बोल दो या एंगल सी डी ए बोल दो, शॉर्ट में एंगल डी बोलेंगे, ये देख लीजिए यहाँ पर। और लास्ट एंड फाइनल बच गया है एंगल ए, इसका फुल नेम है एंगल डी ए बी या एंगल बी ए डी, ठीक है। तो ये चार एंगल होते हैं बेटा। पिछली ऑनलाइन क्लास में पढ़ा था कि सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 360, कि इसके चारों एंगल्स का सम कितना होगा 360 होगा, जो कि एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको एन माइनस टू 180। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसके चारों एंगल्स का सम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको याद रखना होगा कि क्वाड्रिलेटरल, कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल हो उसके चारों एंगल्स का सम 360 होता है। फिर आता है इट हैज़ टू डायगोनल्स, इसके दो डायगोनल भी होते हैं। अब डायगोनल किसको बोलते हैं, मैंने इसकी डेफिनेशन लिखाई थी कि ए लाइन सेगमेंट विच जॉइंस द टू अपोजिट वर्टिसेस, इसके जो दो अपोजिट वर्टेक्स है ए और सी इनको ज्वाइन करने वाला ये डायगोनल कहलाता है। इसके अलावा ये बी डी दूसरा डायगोनल हो गया। तो आप कह सकते हो कि एक क्वाड्रिलेटरल में दो डायगोनल होते हैं, ये कहलाता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल्स। क्या कहलाता है बेटा, इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल्स। तो आपके चारों प्रॉपर्टीज लर्न भी हो गई होगी और समझ में भी आ गई होगी। इनको आपको राइट करना है बेटा, राइट करते रहिए, नोटबुक में राइट करना है, फिर इसको बार बार रिपीट करना है। फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ और एट्थ, ये बेटा चार टॉपिक आपको ध्यान से समझने हैं, ठीक है। हर बार जब जब आप ये ज्योमेट्री पढ़ोगे बेटा, उसमें आपके हर स्टेप पर ये काम में आएंगे, कोई भी फिगर हो, कोई भी पॉलीगन हो, ठीक है, उसमें आपको पूछा जा सकता है कि पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होती है, अपोजिट साइड्स क्या होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे मान लीजिए मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं आपकी तरफ, तो आप और मैं दोनों अपोजिट हैं। ये वॉल और इसके सामने वाली जो वॉल है वो अपोजिट वॉल्स कहलाती है इस रूम के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जैसे आपके पास ये रूफ है और ये फ्लोर है, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, आमने सामने। अगर अपोजिट साइड्स को समझना तो इसका हिंदी मीनिंग होता है आमने सामने। तो बताइए इस क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने की साइड्स कौन सी है, बताओ ए बी के सामने कौन है, सी डी, तो ए बी और सी डी अपोजिट साइड्स कहलाती है बेटा इंग्लिश में, ठीक है। तो ए बी और सी डी अपोजिट साइड है, और दूसरा है बी सी एंड ए डी, ये अपोजिट है, ये अपोजिट है, ठीक है। तो जब भी आपके सामने अपोजिट साइड्स का नाम आए तब आपको ए बी और सी डी का बताना है, बी सी और ए डी का बताना है। नाम चेंज आ जाए पी क्यू आर एस, तब आप पी क्यू और आर एस, इधर क्यू आर और एस पी, इस प्रकार से बता देंगे। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ूँ मैं, अपोजिट साइड समझ में आ गया है, अपोजिट साइड्स कैसे रिकग्नाइज करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं फिगर में से बता सकते हो, ओके। आगे हमारे पास चलता है अपोजिट एंगल्स, यहाँ अपोजिट साइड्स था, अपोजिट एंगल। अभी अभी हमने जाना था कि एक क्वाड्रिलेटरल में चार एंगल होते हैं, कितने एंगल होते हैं, चार, 1 2 3 4। इनमें से अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं, अपोजिट का मतलब आमने सामने के एंगल्स। तो एंगल ए और एंगल सी, एंगल ए के सामने कौन है, एंगल सी है, तो एंगल ए एंड एंगल सी आर नोन एज अपोजिट एंगल्स। बेटा ये और ये अपोजिट एंगल है, और ये एंगल बी के सामने कौन है, एंगल डी, ठीक है। ये रे अपोजिट नहीं है, ये रे अपोजिट नहीं है, ये रे अपोजिट नहीं है। तो अपोजिट का समझ जाना मेन, अपोजिट एंगल्स होते हैं एंगल ए और एंगल सी, एंगल बी और एंगल डी, ठीक है। अकेला कोई भी एंगल अपोजिट नहीं होता है, उसमें कम से कम दो होते हैं अपोजिट में, ठीक है। अपोजिट का मतलब होता है विपक्ष, इधर पक्ष दूसरी तरफ विपक्ष, आमने सामने दो तो होंगे ही। तो एंगल ए और एंगल सी अपोजिट एंगल, एंगल बी और एंगल डी अपोजिट एंगल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये अपोजिट साइड्स और अपोजिट एंगल समझ गए, इधर आप राइट कर सकते हो इनको। आगे आता है बेटा एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स का मतलब क्या होता है कि वो साइड्स जिनमें एक वर्टेक्स कॉमन हो। जैसे बेटा ये साइड है, इन डायगोनल्स को मैं आप थोड़ी देर के लिए इरेज कर रहा हूँ ताकि आपके क्लियर समझ में आ जाए। इसके चारों साइड कौन कौन सी है, ये और
ये और ये चार साइड्स हैं, तो ये भी अपोजिट साइड है क्योंकि ए बी इस साइड में, इस साइड में कोई भी कॉमन नहीं है, कोई भी वर्टेक्स, ए और बी इसके दोनों एंड पॉइंट अलग है, सी ओ डी अलग है। लेकिन इसमें इसमें बात करें इस साइड की और इस साइड की, तो इनमें देखो बी कॉमन आ रहा है, साइड ए बी और साइड बी सी में कौन सा वर्टेक्स कॉमन आ रहा है, बी। तो ये और ये एडजेसेंट कहलाती है, बट एडजेसेंट साइड दो है इसलिए पेयर कहलाएंगे, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स। ठीक है बेटा, कौन कौन सी, ए बी एंड बी सी, इसके अलावा ये और ये भी एडजेसेंट साइड है, ये और ये भी एडजेसेंट साइड है, ये और ये भी एडजेसेंट साइड्स है। यानी ऐसे दो साइड्स दो आपस में एक दूसरे को टच करती हो कहीं किसी जगह, एक कॉमन पॉइंट हो उनका एक, तो ये और ये एडजेसेंट साइड, ये और ये एडजेसेंट साइड, ये और ये एडजेसेंट, ये और ये, तो ऐसे चार पेयर होते हैं बेटा, ए बी और बी सी का पेयर, बी सी और सी डी का, डी सी डी और डी ए का, डी ए और ए बी का। समझ गए होंगे आप। आगे आता है एडजेसेंट एंगल्स। एंगल्स की बात करें तो तुरंत आपके माइंड में फिगर ड्रॉ हो जाना चाहिए, ये वाला ये एंगल्स है। ठीक है, साइड्स तो ये थी, ये यहाँ से यहाँ तक ये लाइंस जो अपन ने खींच रखी है इनको साइड्स बोलते हैं, लाइन सेगमेंट्स को एंगल इसको बोलते हैं बेटा, ये रही। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था अपोजिट एंगल कौन से होते हैं, ये रही अपोजिट एंगल होते हैं। लेकिन ये और ये एंगल, अर्थात एक एंगल को बनाने में कितनी साइड्स काम में आती है, दो। जैसे मान लीजिए ये और ये साइड मिलकर के एंगल बना रही है, ऐसे ये और ये साइड मिलकर के ये एंगल बना रही है, इसको बनाने वाली साइड ये और ये, इनिशियल रे और टारगेट रे या टर्मिनल रे। ठीक है, इनिशियल रे और टर्मिनल रे, तो इनके बिटवीन में आपके पास जो रोटेशन होता है वो एंगल कहलाता है। ठीक है, अब अगर दो एंगल्स, ये तो एंगल है, अगर इन दोनों एंगल्स में एक साइड कॉमन ले लें अपन, जैसे ये साइड एक ही ले लें, तो उस कंडीशन में ये एडजेसेंट एंगल्स हो जाते हैं बेटा। जैसे ये एंगल किससे बन रहा है, इससे और इससे, इन दोनों से बन रहा है, ये एंगल किससे बन रहा है, इससे और इससे, तो ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट एंगल के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ गए होंगे। तो हमारा जो मेन डायग्राम था क्वाड्रिलेटरल का, उसमें बताइए कि एडजेसेंट एंगल्स कौन कौन से होंगे, एंगल ए और एंगल बी, ये और ये एडजेसेंट एंगल है, इसके अलावा ये और ये भी एडजेसेंट एंगल है, ये और ये भी एडजेसेंट है, दोनों एडजेसेंट, एडजेसेंट एंगल में कोई एक एंगल नहीं आएगा, दो जने आएंगे, तो ए और ये और ये, ये और ये। ठीक है, तो यहाँ पर आप इजीली देख सकते हो एंगल ए एंड एंगल बी एडजेसेंट एंगल है, एंगल बी एंड एंगल सी एडजेसेंट एंगल है, एंगल सी एंड एंगल डी एंड एंगल ए, ये एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि एक क्वाड्रिलेटरल की जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स क्या क्या होते हैं। हालांकि क्वाड्रिलेटरल के बेटा अपन आगे और भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, लेकिन ये जनरल प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, जो चार साइड से बंद फिगर आती है उनमें नॉर्मली सभी में ये फीचर्स लागू होंगे। अब हम इसके डिफरेंट टाइप्स पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स की बात करते हैं तो देयर आर सिक्स टाइप्स, बड़ा छह प्रकार के क्वाड्रिलेटरल होते हैं ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड एंगल्स। अगर क्वाड्रिलेटरल के जो चारों साइड्स और चारों एंगल है उनके आधार पर अगर अपन इनके टाइप्स के बारे में बात करें तो ये बड़ा सिक्स टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, सिक्स टाइप के। सबसे पहला काम है कि वो छह टाइप कौन कौन से हैं बेटा, ये रहे। ठीक है, इनके नेम अपने को लर्न करने हैं। सबसे पहला ट्रेपेजियम, दूसरा काइट, जो पतंग होता है ना बेटा, पतंग भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये छह प्रकार के क्वाड्रिलेटरल होते हैं। लर्न कर लीजिए बड़ा फटाफट, आपको दो मिनट का टाइम दे रहा हूँ, इनको लर्न करके अभी सुनाना आपको। ठीक है, लर्न हो गए, अब हम समझेंगे एक एक को विस्तार से। सबसे पहला जो टाइप आता है वो आता है ट्रेपेजियम, कि ट्रेपेजियम होता क्या है, ये दिखता कैसा है, इसका डायग्राम कैसा होता है, जब ये हमारे सामने आ जाएगा तो हम इसको पहचानेंगे कैसे,
इसमें कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन सी इसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो देखिए, इट इज ए क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहला काम तो ये है कि ट्रेपेजियम क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटरल होता है विथ ए पेयर ऑफ पैरेलल साइड, जिसमें एक पेयर पैरेलल साइड्स होती है। ठीक है, ए पेयर ऑफ अपोजिट पैरेलल साइड्स अपोजिट होनी चाहिए बेटा वो। देखिए, मैंने कुछ क्वाड्रिलेटरल्स बनाए हैं। अब इसमें आपको पता है ये साइड और ये साइड अपोजिट साइड है और पैरेलल है, तो अपोजिट साइड्स का ये पेयर पैरेलल है। पैरेलल किसको बोलते हैं, वो साइड्स जिनको आगे बढ़ा दो या पीछे बढ़ा दो, वो एक दूसरे को कभी नहीं काटे। दोज लाइंस विच नेवर इंटरसेक्ट इच अदर व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। अगर उनको फॉरवर्ड बढ़ाएंगे या बैकवर्ड बढ़ाएंगे तो वो कभी एक दूसरे को नहीं काटनी चाहिए, तो वो पैरेलल साइड्स होती है। तो देखो बेटा, ए बी को इधर बढ़ा दो चाहे इधर बढ़ा दो, सी डी को इधर बढ़ाओ चाहे इधर बढ़ा दो, कभी नहीं काटेगी। लेकिन ये बी सी और ए डी ये पैरेलल नहीं है, ये देखो पीछे बढ़ाने पर तो नहीं काटेगी लेकिन इधर बढ़ाने पर काट देगी, तो ये रे पैरेलल नहीं है, ये रे पैरेलल है। ठीक है, तो ये एक पेयर आपको पता है, अपोजिट साइड्स का दो पेयर होते हैं, इसका इसका पहला पेयर, इसका इसका दूसरा पेयर, तो एक पेयर पैरेलल होने पर वो क्या कहलाएगा, ट्रेपेजियम। इसका डायग्राम ऐसे ही बन सकता है, ये और ये पैरेलल है, तो ये भी पैरेललोग्राम है। ये रे पैरेलल हो या न हो उससे हमारे को लेना देना नहीं है, केवल एक पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल होना चाहिए। दोनों हो पैरेलल कोई दिक्कत नहीं है, उस अगले की मर्जी, लेकिन हमारे लिए तो ट्रेपेजियम, उसको ट्रेपेजियम तभी कहेंगे जब केवल एक पेयर पैरेलल हो, दोनों हो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिए आपके पास ये और ये पैरेलल है, ठीक है, ये और ये नहीं आया। इसमें हमारे पास ये और ये भी पैरेलल है, ये और ये भी पैरेलल है, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पेयर पैरेलल है, तो कम से कम एक पेयर तो पैरेलल है इसका, इसलिए ये भी पैरेललोग्राम है, ट्रेपेजियम है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास इसमें ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, तो ये भी ट्रेपेजियम है, क्योंकि एक पेयर तो पैरेलल है। इसमें आ जाइए, ये और ये पैरेलल है, ये और ये भी पैरेलल है, तो ये पैरेललोग्राम वो ट्रेपेजियम है। ठीक है, हालांकि इनका अदर नेम है बेटा, अदर नेम भी है इनमें से आएगा, लेकिन उनको भी अपन पैरेललोग्राम को भी ट्रेपेजियम बोल सकते हैं, वो आगे पढ़ाऊंगा आपको। तो ट्रेपेजियम को समझ गए होंगे, इसकी प्रॉपर्टी दो ही प्रॉपर्टीज है, कि ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल, कि अपोजिट साइड्स का एक पेयर पैरेलल होता है, और एंगल ए प्लस एंगल डी, ये एंगल ए और ये डी, ये 180 के होते हैं, और एंगल बी और एंगल सी, इन दोनों का सम भी 180 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इन दोनों का सम इसका 180 नहीं होता, इसका हमारे को नहीं पता कितना होता है। ठीक है, लेकिन इसका पता है, इसका सम कितना होगा 180, और इसका भी कितना होगा 180। ठीक है, आगे मैं चलता हूँ काइट पर। ठीक है, हाँ, इसके डायगोनल्स भी दो डायगोनल्स होते हैं, तो आप वो प्रॉपर्टीज तो पता है, क्वाड्रिलेटरल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है वो सभी इसमें तो है। नेक्स्ट टाइप जो हमारा सेकंड टाइप आता है वो आता है काइट। ठीक है, काइट को हिंदी में हम बोलते हैं पतंग। पतंग की शेप आप सभी जानते हो कैसी होती है, प्रैक्टिकल रूप से आपने इसका यूज भी किया है, लेकिन अगर अपन थ्योरेटिकल रूप में इसको डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे, कि इट इज़ ए क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले तो एक क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है, क्योंकि इसमें भी चार साइड्स होती है। इट इज़ ए क्वाड्रिलेटरल विथ टू। अब आगे तो मैं कुछ वर्ड्स यूज करने जा रहा हूँ, उनका आपको मीनिंग ध्यान से समझना है। टू डिस्टिंक्ट, तो डिस्टिंक्ट का मतलब होता है भिन्न भिन्न, ठीक है ना, अलग 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 अलग। कंजिक्यूटिव का मतलब होता है कर्मगत, यानी कर्म से आने वाले। पेयर्स युग्म ऑफ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है, यानी कि इसमें हमारे पास में दो पेयर ऐसे होते हैं, वो भी किसके, कंजिक्यूटिव साइड्स के, जो लेंथ में इक्वल होते हैं। इसका मीनिंग क्या है,
उसको हम अधिक अच्छे ढंग से समझ पाएंगे इस डायग्राम की हेल्प से। ये क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल में आपके पास जो फोर साइड्स हैं वो कौन कौन सी हैं, ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए, ये इसके चारों साइड्स हैं। इन चारों साइड्स में से आप स्टार्टिंग हम करते हैं ए बी से, तो ए बी के बाद में जो कर्मागत कंजुगेटिव साइड है वो है बी सी, तो ए बी और बी सी लेंथ में इक्वल है। इस बात की क्या गारंटी है कि ये इक्वल, इनकी लेंथ इक्वल है, इसके लिए हमारे पास देखिए इनके ऊपर इक्वल सेम मार्क बना हुआ है, ये जो मार्क बना हुआ ना ये शो कर रहा है कि इनकी लेंथ इक्वल है, तो ए बी और बी सी की लेंथ इक्वल है। फिर आगे चलते हैं, बी सी के बाद में कंजुगेटिव साइड आती है सी डी और उसके बाद में डी ए, सी डी और डी ए इन दोनों का पेयर भी इक्वल है, डबल मार्क है, ये और ये इक्वल नहीं है लेकिन ये और ये इक्वल है, तो हम कह सकते हैं टू डिस्टिंक्ट यानी दोनों अलग अलग पेयर होने चाहिए, कंजुगेटिव होने चाहिए पेयर, ठीक है, जैसे इसका इसका पेयर बन गया, इसका इसका पेयर हो गया, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, काइट। ये सेकंड डायग्राम में देख लीजिए, यहाँ पर हमारे पास ये और ये साइड इक्वल है, कंजुगेटिव है, तो इसलिए ये इक्वल, ये और ये इक्वल, तो ये भी हम काइट बोलेंगे इसको, और ये थर्ड शेप भी काइट की है, केवल इनकी लेंथ में डिफरेंस है। अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो प्रॉपर्टीज़ में आपके पास इनमें एक मेन प्रॉपर्टी होती है कि देयर आर एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट कंजुगेटिव पेयर्स ऑफ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है, ये सेंटेंस आपको लर्न रखना है। नेक्स्ट, अगर इसमें डायगोनल्स ड्रॉ करूँ तो ये डायगोनल्स ड्रॉ करते समय ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं बेटा, ठीक है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, टू ईच अदर, ठीक है, इसका मतलब है कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट है डायगोनल्स का, इस डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट पर यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इस पॉइंट पर चार एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4, तो चारों 90 डिग्री के हैं, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का, या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं डायगोनल्स, इसी को दूसरे वर्ड्स में बोलेंगे डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, एट 90 डिग्री, ठीक है, डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, 90 डिग्री को हम राइट एंगल भी बोल सकते हैं, ये हमारे पास सेकंड जो टाइप है क्वाड्रिलेटरल्स का, उसकी डेफिनेशन, उसके डायग्राम और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्लियर होती है। ओके स्टूडेंट्स, इसको भी आपको राइट करना है। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है पैरेललोग्राम, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सबसे अधिक यूज में आने वाला है, और हमारी 3.3 एक्सरसाइज पूरी की पूरी इसके ऊपर बेस्ड है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, और इसका डायग्राम कैसे होते हैं, कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, वो सभी आपको समझना है। ये देखिए स्टूडेंट्स पैरेललोग्राम, नेक्स्ट हमारा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट आगे फ्यूचर में आपके सबसे ज़्यादा जो काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में यूज आने वाला है वो है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम किसे बोलते हैं, नाम से पता चल रहा है, इसमें भी एक वर्ड आ रहा है पैरेलल, ठीक है, तो ए पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, यानी चार साइड वाला एक बंद आकृति है, हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। अब आपको अपोजिट के बारे में तो पता होगा कि अपोजिट क्या होता है, आमने सामने की जो साइड्स होती हैं इनको हम अपोजिट साइड्स बोलते हैं, इसको और इसको अपोजिट साइड मानते हैं, तो ये पैरेलल होनी चाहिए, ये साइड इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, इक्वल की बात नहीं कर रहा, ठीक है, जब ये रे पैरेलल होगी ये रे पैरेलल होगी तो इक्वल ऑटोमेटिक होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका डायग्राम ऐसा बनता है, इसकी लेंथ और ब्रिथ ये अलग अलग होती है और इक्वल भी हो सकती है, लेकिन जो मेन इसकी कंडीशन है वो ये है कि अपोजिट साइड पैरेलल होनी चाहिए, चाहे आप
उनकी लेंथ कितनी रख लो, पैरेलल होनी चाहिए। अब इसके प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, तो प्रॉपर्टीज़ में पहले प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, कि इसकी अपोजिट साइड इक्वल लेंथ होती है, यानी ये और ये इक्वल लेंथ की होगी, ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर है ये भी 4 होगी, ये 8 है ये भी 8 होगी, ये 10 है ये 10 होगी, और बी सी और ए डी इक्वल होगी, ये एरिया मार्क लगा हुआ है। तो पहली प्रॉपर्टी क्लियर, याद रखोगे अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल। क्वेश्चन कैसे आता है, ये साइड दे दी, ये पूछ लिया आपको, ये दे दी, ये पूछ ली, तो आपको उसको तुरंत आपको जवाब देना है कि ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 होगी, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। सेकंड आता है अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स आर ऑफ इक्वल मेजर, ठीक है स्टूडेंट्स। आपके पास में जो एंगल ए है और एंगल सी, ये अपोजिट एंगल होते हैं, ये इक्वल मेजर के होंगे बेटा, यानी ये जितने डिग्री का होगा उतना ही ये होगा। मान लीजिए 60 का तो ये भी 60 का, ये 120 है तो ये भी 120, ठीक है। तो इसका मतलब होता है मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल सी, ऐसे ही एंगल बी इक्वल एंगल डी का मतलब ये। नेक्स्ट आता है एडजेसेंट, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अभी मैंने आपको जब स्टार्टिंग में इस ऑनलाइन क्लास में बताया था कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, तो उसमें आपने आपको बताया था कि ये एडजेसेंट एंगल है, ये और ये एरिया तो इक्वल होते हैं, ये इक्वल नहीं होगा बेटा, इन दोनों का सम कितना होगा 180। तो दोज एंगल्स हुज सम इज 180 इज नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल। ऑल ऑफ यू नो, आप सभी जानते हो कि सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, जिनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो बेटा ए और बी ये दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं, किसमें, पैरेललोग्राम में, काइट में, रोम्बस में मत चले जाना, इनका सम 180 होगा, एंगल ए एंगल बी। अब कोई जरूरी है कि ये एडजेसेंट है, ये भी तो एडजेसेंट है, तो हाँ इनका सम भी कितना होगा 180 होगा, एंगल बी प्लस एंगल सी विल बी आल्सो 180, एंड सी और डी भी एडजेसेंट एंगल है तो इनका भी सम 180 होगा, और एंगल डी और एंगल ए भी 180 के होंगे। तो ध्यान रहे एक ही सेंटेंस याद रखना है, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो ये जैसे मान लीजिए 60 डिग्री का, तो 180 में से इसको माइनस कर देना, ये 120 आ जाएगा। ये गिवन हो तो ये फाइंड कर सकते हैं, ये गिवन हो तो ये फाइंड कर सकते हैं। अब इसके इक्वल कौन होता है, ये होता है, और इसके इक्वल कौन होता है, ये इक्वल। तो पैरेललोग्राम का एक एंगल भी अगर हमारे को दिया हुआ आ जाए तो हम उसके बाकी के सभी एंगल फाइंड कर सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी से, इन दोनों प्रॉपर्टी से। इस प्रॉपर्टी से हम उसका एडजेसेंट एंगल फाइंड करेंगे जो गिवन होगा, और इस प्रॉपर्टी से अपोजिट एंगल्स को हम इक्वल शो कर देंगे, ठीक है। फोर्थ जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो आती है डायगोनल्स के, क्या कह रहे हैं, डायगोनल्स यानी कि क्वाड्रिलेटरल में आपके पास पता है दो डायगोनल होते हैं, कितने होते हैं, दो, ये पहला डायगोनल ये दूसरा। तो पहले तो ये बताओ ये दोनों डायगोनल इक्वल है क्या, लेंथ में इक्वल है क्या, जी नहीं, पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। ये एसी लेंथ में बड़ा है, बीडी लेंथ में छोटा है, दिख रहा है हमारे को प्रैक्टिकली रूप से, हम देख सकते हैं इसको। लेकिन ये बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, बाइसेक्ट का मतलब होता है समद्विभाजित, यानी समान दो भागों में बांटना, समान दो भागों में बांटना, यानी कि ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो ओ पॉइंट है, ये ओ पॉइंट इस एसी को दो बराबर भागों में बांटता है, यानी ये और ये इक्वल है बेटा, ए ओ ओ सी इक्वल है, समझ गए क्या, बाइसेक्ट का मतलब बराबर दो भागों में बढ़ जाता है ये एसी डायगोनल, और ऐसे ये बीडी डायगोनल भी दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा, ये और ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या नहीं होता है वो याद रखना है, डायगोनल्स आर नॉट ऑफ इक्वल लेंथ, डायगोनल इक्वल नहीं होते कि एसी और बीडी की इक्वल लेंथ हो जाएगी, ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक कभी इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। और दूसरा है ए और बी ओ इक्वल नहीं होगा, ये ए ओ और ये बी ओ, इसकी लेंथ इक्वल नहीं होगी, इसकी रिस्क इक्वल नहीं होगी, इसकी रिस्क इक्वल नहीं होगी, इसकी रिस्क इक्वल नहीं होगी। कौन कौन इक्वल होगी, ये और ये, ये और ये, मान लो ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 हो जाएगी, टोटल 10 हो जाएगा,
ये 3 है तो ये भी 3, टोटल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज है, इसके ऊपर आधारित पूरी की पूरी एक्सरसाइज 3.3 है। तो 3.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर हम बाद में चलेंगे, पहले जो बाकी के 3 क्वाड्रिलेटरल बच गए उनकी प्रॉपर्टीज भी हम राइट कर लेते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रोम्बस हैं, ये देखिए रोम्बस क्या होता है। रोम्बस इज ए क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसके चारों साइड इक्वल होती है उसे रोम्बस बोल देंगे, ठीक है। ये चारों साइड इक्वल है, ये रोम्बस है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? इसके वो सभी प्रॉपर्टीज हैं जो एक पैरेललोग्राम की होती है। इट मीन्स इसको हम पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं, है ये एरिया पैरेलल है, ये एरिया पैरेलल है, तो पैरेललोग्राम भी है। तो वो सभी प्रॉपर्टीज इसमें लागू होगी जो पैरेललोग्राम की थी, जैसे कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये पैरेलल है, ये एरिया पैरेलल है, ऑल साइड्स आर इक्वल, इसके चारों साइड इक्वल होती है, इसमें अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये एरिया इक्वल, ये एरिया इक्वल, चारों इक्वल है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो ये एडजेसेंट एंगल्स एंगल ए एंगल बी एंड एंगल सी एंगल एंगल डी एंड एंगल ए, ये 180 के हैं। और जो इसमें डिफरेंस है वो है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स थे वो इक्वल नहीं थे, इसमें भी इक्वल नहीं है, लेकिन जब ये काटते हैं तो ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास पैरेललोग्राम में भी था, लेकिन इसमें एक मेन चीज़ है एट 90 डिग्री। इसका मतलब समझो यहाँ पर बेटा 90 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है, जबकि पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता है। पैरेललोग्राम का डायग्राम ऐसा था, तो इसमें यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता है, यहाँ पर 90 का नहीं बनता है, इसमें 90 का बनता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है बेटा? रेक्टेंगल ए रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मैंने पढ़ाया था आपको, पैरेललोग्राम ही होता है रेक्टेंगल विथ इक्वल एंगल्स, बस डिफरेंस इतना है इसमें सभी एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है, उसमें सभी एंगल इक्वल नहीं हुआ करते थे, यानी कि अपोजिट साइड पैरेलल भी है, इक्वल भी है, ये इक्वल भी है, ये और पैरेलल भी है, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन इसमें जो अलग एक प्रॉपर्टी है वो है कि इसके सभी एंगल इक्वल होते हैं। तो प्रॉपर्टीज पर आऊँ तो सबसे पहले अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड पैरेलल होती है, अपोजिट साइड आर इक्वल लेंथ, अपोजिट साइड्स इक्वल लेंथ की भी होती है, ठीक है। ऑल एंगल्स आर ऑफ इक्वल मेजर, ये थोड़ा सा अलग प्रॉपर्टी होती है कि सभी एंगल इसमें इक्वल होते हैं। अब चारों एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो एक कितना होगा? चार से डिवाइड कर दो तो 90, तो अपने आप पता चल जाता है कि चारों एंगल 90 डिग्री के होंगे, इक्वल है। इसलिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 360/4 इज इक्वल टू 90। यहाँ पर ये भी डाउट क्लियर हो जाता है कि 90 डिग्री क्यों होता है, क्योंकि चारों एंगल का सम कितना होता है? 360, चारों इक्वल है, तो एक एंगल कितने का हुआ? 90 का हुआ। दूसरा इसमें चीज़ आती है कि डायगोनल्स इक्वल होते हैं बेटा। अभी तक के जो क्वाड्रिलेटरल्स थे उनमें डायगोनल इक्वल नहीं थे, ये पहला क्वाड्रिलेटरल आ रहा है और इसके बाद वाला स्क्वायर, इन दोनों में ये चीज़ अलग होती है कि डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, यानी कि ये जो लेंथ है एस सी की, ये डायगोनल और ये बी सी, ये दोनों इक्वल होती है, ठीक है। और ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं ऊपर, तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये बाइसेक्ट भी करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, ठीक है। जब होल पार्ट इक्वल हो तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे, हाफ ऑफ इक्वल्स आर आल्सो इक्वल। आपको आप मान लीजिए बेटा, ये आपके पास दो मार्कर पेन हैं, अगर दोनों इक्वल हैं, इसको भी आधा कर लो, इसको भी आधा कर लो, तो चार पार्ट हो जाएंगे, दो इसके, तो चारों आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? हाँ, अभी इनकी लेंथ इक्वल नहीं होती, तब हम कह सकते थे कि इसके दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे, इसके दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे, ये आपस में चारों पार्ट इक्वल नहीं होते हैं। लेकिन जब दोनों होल पार्ट इक्वल लेंथ के हैं तो इनके हाफ जो चार पार्ट होंगे वो भी आपस में बराबर होंगे। तो बेटा ये
ये और ये और ये, ये चारों इक्वल होते हैं, समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। तो ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज होती है। अब हमारा लास्ट फाइनल आता है सिक्स्थ स्क्वायर। देखिए ये स्टूडेंट्स हमारे पास स्क्वायर आता है, लास्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, किसे बोलेंगे, ए स्क्वायर इज एक रोम्बस, एक स्क्वायर रोम्बस होता है, ठीक है, यानी जो रोम्बस पढ़ा था ना मैंने, उस रोम्बस को स्क्वायर बोल देते हैं विद इक्वल एंगल्स, अगर उसके एंगल क्या हो, एंगल एंगल क्या हो, इक्वल हो। तो और सभी प्रॉपर्टीज वो की वो ही रहेगी जो रोम्बस में होती है, केवल और केवल कौन कौन सी दो प्रॉपर्टीज है जो डिफरेंट होती है, पहली अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड पैरेलल होती है बेटा, ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, इसके चारों साइड इक्वल होती है, ठीक है, ये उसमें भी होती थी रोम्बस में, ऑल एंगल्स आर इक्वल मेजर, इसमें सभी एंगल इक्वल होते हैं बेटा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी अलग है रोम्बस से। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, ये चारों एंगल इक्वल होंगे, कितने के होंगे, 90 के होंगे, क्योंकि चारों का सम 360 होता है, 360 को 4 से डिवाइड किया तो 90 प्राप्त होता है। ऐसे डायगोनल आर ऑफ इक्वल लेंथ, यहाँ पर हमारे पास जो डायगोनल होते हैं ये दोनों डायगोनल, ये दोनों बेटा इक्वल लेंथ के होंगे, ठीक है, और ये बाइसेक्ट भी करेंगे, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। अब ये एट 90 डिग्री वाला इसमें रोम्बस में भी था, इसमें भी है, रोम्बस में बस ये नहीं था, रोम्बस और स्क्वायर में यही डिफरेंस है थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी का ही, और सभी इक्वल है। इसके अलावा देखें तो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, अब ये एसी, ये बीडी और एसी ये इक्वल है ना, इनके जो ये पार्ट्स बन गए, ये चार पार्ट हो गए ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ, ये भी इक्वल होते हैं, ठीक है, ये चारों इक्वल होंगे आपके पास, चारों इक्वल होंगे, और ये जो एंगल बने हैं यहाँ पर चार एंगल, ये भी इक्वल होंगे, और कितने के होंगे, 90 डिग्री के, ये भी इक्वल होते हैं यहाँ पर। ये एंगल किस में इक्वल नहीं होते हैं, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में ये 90 के नहीं होते हैं, ठीक है, इसमें 90 के होते हैं, किस किस में, रोम्बस में और स्क्वायर में 90 के होते हैं। तो ये स्टूडेंट छह क्वाड्रिलेटरल हो गए, इनकी आपको प्रॉपर्टीज याद करनी है, वीडियो को सुन करके पॉज करके आपको स्क्रीनशॉट लेकर के नोटों को राइट करना है और याद करना है, ये याद होने पर ही आगे की एक्सरसाइज आपके समझ में आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग ये समझ गए होंगे, इस आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है बेटा, इसको आपको पूर्ण रूप से राइट करना है और इसको पूरा सुनना है, ठीक है, थैंक यू।